हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट सम, फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ टर्म। सम सम मतलब प्लस। असियां नीचे दिते डिजिट्स नू प्लस करना है, बट सूटेबल अरेंजमेंट, सही तरह अरेंज करके। सूटेबल अरेंजमेंट का मतलब असी इस तरह प्लस करना है कि साढ़े को वंस प्लेस, ठीक है। जिमें फर्स्ट अपने को दिता है 837, यदा वंस प्लेस आ, ठीक है। तो असं इस तरह प्लस करना कि जोड़ा सा आंसर आता वो वंस प्लेस से अपने को हो जीरो आए, ठीक है। प्लस कर फर्स्ट आप वंस प्लेस देखा कि आऊगा 7, यदा देखा 8, 7 प्लस 8 कि हो गया 15, नहीं बन रहा। फिर असी इनू दोनों देखा 7 तो यदा वंस प्लेस 3, 7 प्लस 3 10, 10 मतलब इन दोनों प्लस करते वंस प्लेस से की आ रही है 0। तो इन दोनों अगर मैं प्लस कर दी हाँ, इन्होंने मैं अलग लिख लिया प्लस करने लिए, इन दोनों प्लस कर लिया अपने को बचे, इन मैं अलग लिख लिया। हूँ इन दोनों साइड पर प्लस कर दें, 7 3 10, 6 3 9, 9 प्लस 1 10, 8 3 11, 11 प्लस 1 12, तो पिछे की आ गई 2 0s प्लस 208। हुण अपने कोल ये दो डिजिट्स बचे, इन दोनों डिजिट्स नूं असीं एज इट इदां ही प्लस कर देना, 8 0 4 1। तो अपने कोल कितना आंसर आ गया, 1 4 0 8 आंसर। इस तरह आपां सैकेंड सम करना है, सेम असीं इन्हां दे वंस प्लेस नूं प्लस करके देखना वा कि किनूं किन्ना प्लस करन ते अपने कोल जीरो आउंदी है। फर्स्ट 2 प्लस 3, यदा वंस प्लेस 2, यदा वंस प्लेस 3, 2 प्लस 3 5, इन दोनों प्लस करते 0 नहीं आ रही। फिर असं इन दोनों प्लस करके देखेंगे, पहले असं इन दोनों प्लस किया, फिर असं इन दोनों 2 प्लस 8 2 प्लस 8 10, मतलब 0 आ रही है, तो असं इन दोनों अलग कर लिए। दैन 3 प्लस 7 बचे ही अपने को दो डिजिट्स ने, ठीक है, इन्हों अलग कर लिया। उदा भी इन्हें वंस प्लेस का 10 बन रहा है, इन्हों साइड पर प्लस करा 8 2 10, 6 3 9, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 1 2 3, इन्हों प्लस करते अपने को आ गया 3 5 6 प्लस। हूँ इन्हों दोनों प्लस कर लीए, 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। हुण आपां इन्हां दोनों नूं प्लस कर लईए, 0 0 6 3 प्लस 1 4, तां आपणे कोल किन्ना आंसर आ गया, 4 6 00।